अनोखी चिड़िया। बच्चों, आप जानते ही हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर बहुत सुंदर होता है। इसी तरह संसार में कई तरह के पक्षी हैं, छोटे बड़े, रंग बिरंगे, ऊंची उड़ान भरने वाले और ना उड़ सकने वाले भी। हाँ, कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जिन्हें उड़ान भरनी नहीं आती। आइए आज ऐसी एक अनोखी चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं। रानी और मोहित खेलकर घर लौटे। उनके पापा ने उन्हें सुबह की डाक से आया राजन चाचा का पत्र दिया। दोनों एक साथ उस लिफाफे पर झपटे। मोहित को डाक टिकट इकट्ठी करने का बहुत शौक था। रानी की रुचि पिक्चर पोस्टकार्ड संभाल कर रखने में थी। मोहित ने लिफाफे से डाक टिकट उतारा। उस पर कीवी की तस्वीर देखते हुए मोहित ने पापा से पूछा, पापा, यह कौन सी चिड़िया है? राजन चाचा की अधिकतर चिट्ठियों पर इस चिड़िया का ही चित्र क्यों बना होता है? तुम्हारे राजन चाचा न्यूजीलैंड में रहते हैं। यह कीवी नाम की चिड़िया वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। रानी बात काटती हुई बोली, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोहित भी पापा को अपने ज्ञान से प्रभावित करते हुए बोला, पापा, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भी कीवी के नाम से पुकारते हैं। उन्हें ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के निवासियों को भी इसी नाम से पुकारा जाता है। रानी बड़े ध्यान से पिक्चर पोस्टकार्ड पर बने कीवी के चित्र को देख रही थी। कीवी लगभग चूजों के नाप की थी। उसका शरीर गोल मटोल था और हल्के भूरे रंग के पंखों से फूला हुआ था। उसकी चोंच लंबी और पैनी थी, जबकि टांगे छोटी छोटी। उसके पर नन्हे नन्हे थे और दुम तो बिल्कुल गायब। कीवी की नाक चोंच के साथ जुड़ी हुई थी। रानी ने पास खड़े मोहित से कहा, मोहित भैया, देखो इस कीवी की नाक चोंच के कितने पास लगी हुई है। मैंने तो किसी भी चिड़िया की नाक चोंच से जुड़ी हुई नहीं देखी। मोहित ने पापा से पूछा, ऐसा क्यों है पापा? कीवी घने जंगलों में रहती है, जहां वो केचुए, कीड़े मकौड़े और कंदमूल खाती है। उसकी लंबी नाक उसे अपना खाना ढूंढने में सहायता देती है। कीवी अपनी नाक से सूंघकर खाना पहचानती है। रानी ने आश्चर्य से पूछा, पापा, फिर तो यह बहुत अजीब चिड़िया होगी। कीवी तो एक बहुत शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। यदि वह किसी व्यक्ति को देख ले तो भाग खड़ी होती है और जाकर लंबी लंबी झाड़ियों में जा छिपती है। हाँ, इसकी एक विशेषता यह है कि इसे उड़ान भरनी नहीं आती। पापा, कीवी जैसी और कौन कौन सी चिड़िया हैं जो उड़ नहीं सकती? एमू, पैराकीटर और रिया, ये सब चिड़िया भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। रानी और मोहित एक साथ बोले, पापा, अब जब हम राजन चाचा को पत्र लिखेंगे, तब उनसे इन चिड़ियों के बारे में भी पूछेंगे और उनके चित्र मंगवाएंगे। पहले अपने राजन चाचा को एक अच्छा सा धन्यवाद का पत्र तो लिखो, वे भी तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में होंगे। आइए बच्चों, अब पाठ में आए कुछ शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। लिफाफा, चिट्ठी, राष्ट्रीय, प्रभावित, आश्चर्य, शर्मीले, स्वभाव, व्यक्ति, विशेषता, प्रतीक।